हम आज आपसे जो अपने हेड एंड नेक, जिसको बोलते हैं हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं, या गाल का, गले का, जीभ का, स्वर यंत्र का जो कैंसर होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये भारत में सबसे अत्यधिक कॉमन होता है, क्योंकि जो अपने टोबैको की, तंबाकू की जो आदत होती है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, सुपारी, इसके कारण से इसके होने की संभावना बहुत होती है। रोगी को जब ये होता है तो जैसे अगर उसके गाल में कैंसर है तो उसके छाले होने लगते हैं, जीभ पे उसके छाले होने लगते हैं, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है, उसको भोजन को गिटकने में दिक्कत होती है। और सबसे अच्छी, मतलब सबसे बेकार बात यह है कि छाले जो होते हैं उसमें उसको कोई अधिकतर पीड़ा होती नहीं है, इसलिए वह इसको टालता रहता है। जब ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है, उसके साइड में गर्दन में कुछ छोटी मोटी गांठें भी हो जाती हैं, डॉक्टर उसको बायोप्सी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर वो जो बायोप्सी करा लेता है और अन्य सीटी स्कैन इत्यादि करा लेता है तो उसका डायग्नोसिस सामने हमारे आने लगता है। उसके बाद जब डायग्नोसिस आता है, साधारणतः जो गाल के कैंसर होते हैं या जीभ के जो कैंसर होते हैं, टॉन्सिल्स के जो कैंसर होते हैं, उनमें साधारणतः हम सर्जरी पहले करते हैं। अन्य जो कैंसर हैं, जैसे कि आपके टॉन्सिल का है, जीभ के पीछे का भाग है, आपका लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, स्वर यंत्र है, इन सब के अंदर जो है पहले रेडियोथेरेपी की जाती है। रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी भी की जा सकती है। जब हम रेडियोथेरेपी के लिए बताते हैं तो ये करीब जो है महीने डेढ़ महीने का उपचार होता है, ओपीडी उपचार है, डेली आपको आना होता है। हफ्ता में 5 दिन हम रेडियोथेरेपी देते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रेडियोथेरेपी से आपको किसी तरह की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये ओपीडी उपचार है, डेली आप घर से आ सकते हैं, 10-15 मिनट के लिए आते हैं और उसके बाद रेडियोथेरेपी करके चले जाते हैं। इसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। मुँह में हल्के फुल्के कुछ छाले सा होने की एक संभावना होती है, उसका डॉक्टर लोग उपचार दे के चलते हैं। और आप विश्वास कीजिए कि रेडियोथेरेपी अगर आप समय से ले लेंगे तो आपके कैंसर को ठीक होने की संभावना भी बहुत हो जाती है। इसका एक अच्छा उजला पक्ष ये भी है कि जहाँ सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे मैंने पहले बताया गाल, जीभ, इनको छोड़कर साधारणतः स्वर यंत्र में, पहले कभी हम स्वर यंत्र का पूरा ऑपरेशन करके निकाल देते थे, उसकी आवाज़ का हमेशा बंद हो जाती थी, अब ये करने की आवश्यकता नहीं होती है और हम रेडियोथेरेपी करके उसका स्वर यंत्र बचा सकते हैं, उसकी जीभ के पिछला भाग बचा सकते हैं, अन्य प्रकार की जो बहुत हार्ड और बहुत लंबी सर्जरी होती है उससे बचा जा सकता है। और मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि जब अगर आप रेडियोथेरेपी पूरी कर लेते हैं तो आपके ठीक होने की संभावना भी पूरी पूरी बनती है।